बसपा सुप्रीमो मायावती ने एमएलसी चुनाव को लेकर सपा पर निशाना साधा है। मंगलवार को सुबह मायावती ने ट्वीट करके लिखा, एमएलसी चुनाव में हार तय होने के बावजूद सपा ने दलित और ओबीसी उम्मीदवारों को खड़ा किया, उन्हें हरवाया, ज्यादा संख्या बल होने की अनदेखी की गई। यह दिखाता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति बदली नहीं है। दरअसल यूपी में सोमवार को विधान परिषद एमएलसी की दो सीटों पर चुनाव हुए। दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। इसमें एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी पदसेन चौधरी जबकि दूसरी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र ने जीत दर्ज की थी। पदसेन ने 165 और मानवेंद्र ने 164 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा ने ओबीसी प्रत्याशी रामचंद्र राजभर और दलित प्रत्याशी रामकरण निर्मल को उतारा था। सपा के प्रत्याशी उतारने के कारण यूपी में 20 साल बाद एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग करनी पड़ी थी, जबकि आमतौर पर उपचुनाव में निर्विरोध ही चुनाव हो जाता रहा है। अहम बात यह भी थी कि संख्या बल के आधार पर पहले से ही दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय थी। मायावती ने अगले ट्वीट पर कहा कि सपा के शासन के दौरान भी ऐसी ही घृणित राजनीति से दलित और पिछड़े समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बसपा की अपील है, मायावती के इस बयान को आगामी लोकसभा चुनाव के दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब मायावती ने दलित पिछड़ा वर्ग को लेकर सपा को घेरा है। इससे पहले भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी वह सपा पर निशाना साध चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।